ये क्वेश्चन पेपर है MSW 2021 का, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। चलिए देखते हैं इसके आंसर की फटाफट। तो डिटेल में आंसर्स नहीं बताएंगे, सीधे हम आपको शॉर्टेस्ट वे में आंसर बताएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्नब ट्रेवल्स 15 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न राइट, ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट। दो बार वो राइट लेता है। अगर वो यहाँ से भी चला होगा तो ऐसे चला, फिर से राइट लिया और फिर से राइट लिया, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। जब भी वो राइट चलेगा हमेशा क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ये ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। फिलहाल वो 5 किलोमीटर दूर होगा अपने होम से, जहाँ से वो स्टार्ट किया था, मतलब तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। अब लास्ट पॉइंट पे जो है वो 5 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर कहाँ पे होगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। साचो सांचो एंड रांचो गो फॉर जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए सीधे इसका भी आंसर कर देते हैं, डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल के आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे 6 और 8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप 12 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए और यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे, दोनों बराबर बैठेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये सीरीज है 2 4 6, सॉरी 2 4 12। तो आप यहाँ पे देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 6 144 और 0 लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 5th। 5th भी ऐसे ही ट्राई कर लेना आप, हम सीधा आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा सी एंड 7th, सॉरी 6th, 6th का ऐसे ही आंसर बनेगा आपका बी। नाउ ये फिर से डायरेक्शन दी हुई है 6 सॉरी 7 और 8 सवाल में, तो के यहाँ पे सवाल दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ प्लेज विद द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेजिंग फ्रॉम मंडे। तो ये ऑर्डर बताना है और यहाँ पे 7th का आपका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट इज 8th। प्लेस सी कैन नॉट डेफिनेटली बी स्टेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन एडिशन टू ट्यूजडे। ट्यूजडे के अलावा और किस दिनों नहीं होगा। तो 8th का आपका आंसर होगा फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए भी डायरेक्शंस दी हुई हैं, आप इत्मीनान से इसको पढ़ लेना। विच ऑफ टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सिटीज सेंटर्स। तो देखिए ई एंड एफ। 10 देखिए विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ये है आपके सी एंड एफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंटिंग टू ए लेडी ऑन द स्टेज भूमिका सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू भूमिका। लेडी का भूमिका से क्या रिलेशनशिप है। तो ये है डॉटर। 12। प्रमोद टोल्ड विनोद यस्टरडे आई डिफिटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। होम डिड प्रमोद डिफीट। किसको डिफीट किया उसने। तो ये थे उसके फादर। 13th। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लड इज रिटन एज दिस। हाउ विल द वर्ड पीरियड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कोड डिकोडिंग का सवाल है, इसका आंसर आएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इफ नोएडा इज रिटन एज दिस हाउ कैन मेरठ बी रिटन इन दैट कोड। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा सी। हम फटाफट बताने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब आंसर्स आपको सही एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। 15 देखिए 15 का आंसर बनेगा बी। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और अब 16 और 17 नंबर के लिए डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये आपने सीरीज पूरी करनी है। तो यहाँ पे आप जैसे ये भरेंगे बी आंसर मिल जाएगा, ये एक पैटर्न बन जाएगा। ऐसे ही 17 है सेम सीक्वेंस में और यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और 20 19 20। यहाँ पे फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इनको पढ़ लेना और फिर इनको आपने आंसर करना है। तो 19 का आपका आंसर बनेगा ए, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। और 20 का बनेगा आपका बी। होल्ड ऑन, अभी स्क्रीन पर नहीं आया। 20 का बनेगा बी। 18 का आपने बताया नहीं बताया, शायद 18 छूट गया जिस मोमेंट। अच्छा ये रहा 18। 18 का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द तत्व बोधिनी सभा इन 1839 एट कलकत्ता। नाउ कलकत्ता। तो ये थे देवनाथ टैगोर। 22। दैस 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 हैज डेवलप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन।
तो 1990 में डेवलप किया था, और ये कौन थे? महबूब हक, ये आई थिंक पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, तो मुझे याद आ रहा है। 23, व्हेन इज द यूएन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व ईच ईयर? तो ये है आपका 20 जून। 24, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? तो ये आपके थे भानु अथैया। 25, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज? तो ये है विटामिन के, और कैल्शियम आयन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 26, की व्हाट इज द मिनिमम पेंशन गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अटल बिहारी पेंशन योजना एज ऑफ जून 2021? तो ये है 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ द लेंस इन द आई बिकम्स ओपेक द कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है कंडीशन? कैटरेक्ट। 28, द मेडिकल टर्म यूज फॉर स्लीपलेसनेस इज? इंसोमनिया। बी क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू कंटेमिनेटेड वाटर? कंटेमिनेटेड वाटर से इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन नहीं होता? तो ये नहीं होगा आपका कोलरा, तो होना चाहिए। तो लगता है सभी होंगे, हो अगर नहीं होगा तो आई थिंक मिजल ही रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि यही सिर्फ एयर बॉर्न है, बाकी सब तो वाटर बॉर्न है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के हिसाब से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 30, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड महात्मा गांधी लॉन्च ए सत्याग्रह टू हेल्प द ओप्रेस्ड इंडिगो फार्मर्स? तो इंडिगो फार्मर्स के लिए चंपारण में इन्होंने आंदोलन किया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 31, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट हुआ था? दिसंबर 10, 1948। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये 26 नवंबर को किया जाता है, मनाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। इन विच कंट्री डिड मलाला यूसुफजई बिगेन हर कैंपेन फॉर गर्ल्स राइट टू एजुकेशन? तो मलाला यूसुफजई आप जानते हो कि पाकिस्तानी लेडी हैं, जो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2014 में, किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ। उसी साल कैलाश सत्यार्थी को इनको जॉइंटली दिया गया था ये अवार्ड। तो आंसर इसका बनेगा पाकिस्तान, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ऑप्शन सी देखिए, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रुसेल्स में नहीं है, आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। WTO और WHO तो आपको पता है जिनेवा में है। 36, वन स्टॉप सेंटर ए स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेन टू, क्या मतलब है उसका? तो ये बनाया गया है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस अंडर वन रूफ टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। नेक्स्ट, इंडियाज प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिनेम्ड नीति आयोग एज पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिंग प्लान। नीति इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, रालेगांव सिद्धि इज एसोसिएटेड विद अन्ना हजारे सस्टेनेबल डेवलप विलेज मॉडल? इसे तो है ही है बहरहाल। नेक्स्ट 39, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ड अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015 एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 17। नेक्स्ट आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए लिविंग विल? तो ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो ये आपका बिहार। हु अमंग द फॉलोइंग लेट द सॉल्ट सत्याग्रह टू वेद नारायण इन मद्रास प्रेसिडेंसी नाउ तमिलनाडु इन 1930? तो ये थे सी राजगोपालाचार्य। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव द कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस? तो ये है आपका यूनेस्को। 44, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड अ नेवल प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये थे
नोबेल प्राइज दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए 44 का आंसर होगा सी, 2004 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, नेम द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, तो ये थे आपका ओलंप डी बोस। और 46 में देखिए आर्टिकल 14 के तहत, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तो ये है आपका 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन, रूरल वुमन मनाता है यूएन। 48 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पुलित्जर अवार्ड, ये कौन इंडियन था जिसको पुलित्जर अवार्ड दिया गया था, तो ये थे आपके गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच आर द फॉलोइंग वर फाउंडेड और इनिशिएटेड बाय राजा राम मोहन राय, तो ए 1 और 2 सही है, और 1814 में और 1828 में दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे इन्होंने, आत्मीय सभा एंड ब्रह्म समाज, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, रिट इशू टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेंड इलीगली, तो ये होते हिबियस कॉर्पस। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डिस्क्रिमिनेट्स सुसाइड, तो कौन सा लॉ है ये है आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 52, स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएटेड है ये, तो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1900, कितना 45, यूएन डे मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। 54 देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज नोटिफाइड इन द ईयर, फूड सिक्योरिटी एक्ट किस साल पास हुआ है, तो ये 2013 कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ है। 55, आर्टिकल 39 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किसके साथ डील करता है, 39 ए, तो ये है आपका फ्री लीगल एड। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 56, स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज ऑब्जर्व इन इंडिया एज, कैसे मनाते हैं उसको, तो हम मनाते हैं उसको नेशनल ड्यूट डे की फॉर्म में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच डे ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फूड डे, किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, तो मनाते हैं 16th ऑफ अक्टूबर। नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड किस इंडियन को पहली बार मिला था सबसे पहले, तो ये थे आपका विनोद भावे। एंड नाउ 59, एज पर द 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज समवेयर अराउंड 943, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 42-43 ही बनता है, कहीं कहीं 42 भी दिया होता है। 60 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इंडिया फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये था आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 to 64, कुछ डायरेक्शन दी हुई इनको आप पढ़ लेना, यहाँ पे करेक्ट वो सॉरी इनकरेक्ट पोर्शन बताना है, ए में करेक्शन रिक्वायर्ड है या बी में, या कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इस ढंग से आपने छाटना है। तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा पहला, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका नहीं आना चाहिए, ऑफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, द स्टूडेंट्स एज वेल एज का इस्तेमाल है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, इसके पार्ट सी में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब यूज होगी, तो वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए वाज का नहीं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 63, आई हैव बीन राइटिंग द बुक फ्रॉम मंडे, तो फ्रॉम मंडे नहीं होना चाहिए, सिंस मंडे होना चाहिए, देन अगेन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन 64 में आपका आंसर फिर से सी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 to 68, ए पर्सन हु हैज़ नो रिगार्ड फॉर अदर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाएगा आपका इनकंसिडरेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, दैट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम जिसपे ना हो वो क्या कहलाता है, एनोनिमस। 67, ए जनरल पार्डन बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज नोन एज एमनेस्टी। और 68, एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ये क्या होता है, एंटी डॉट, ओके सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन दी हुई है 69 to 70, दो क्वेश्चन के लिए, इनको आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना, पैराग्राफ टाइप का फॉर्म करना है, उसमें कुछ सेंटेंस जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपने सही करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका आंसर बनेगा SPRQ, हम पढ़ ले रहे हैं, टाइम की शॉर्ट लेके चलते, बाद में डिटेल्स वीडियो में, डिटेल वीडियो में आपको बता देंगे क्या रीजन है इसके पीछे। 70, अगेन आंसर होगा आपका डी।
एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 71 to 75, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई यहाँ पे, फिलअप करना है आपने गैप को, और होपिंग टू 71 में क्या आ जाएगा भाई, रिजॉल्व द डिस्प्यूट, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में, इसी ढंग से आप डी भरेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 बी, ये डिटेल्स आप भर देंगे। नाउ 74 देखिए, द बायोलॉजिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क वॉल्फ पैक वॉज ट्रूली डिस्पैशनेट डिवाइड ऑफ एनी इमोशन और पर्सनल प्रेजुडिस, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, ऑल्दो आरली इजली एंगर्ड बाय आवर मिस्चीवियस बिहेवियर आवर मदर कुड बी इमीडिएटली, क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा इम्पल्ड। नेक्स्ट 76 to 80, ये वाइल्ड गूज चेज, यहाँ पे कुछ एडियम्स दिए हैं उनके मीनिंग हमने बताने हैं, तो आप देखेंगे वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, फुटाइल परसू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77, टू मीट समवन हाफ वे, इसका मतलब क्या होता है, टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ए एन ओनली टोंग, इसका मतलब होता है ए फ्लैटनिंग फ्लैटरिंग टोंग। नाउ ए डेड लेटर, डेड लेटर का मीनिंग हो गया लेटर फॉर विच देर इज नो क्लेमेंट। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ए वेट ब्लैंकेट इज ए पर्सन, तो इसका ऑप्शन बी सही है, हु हैज सेल्फिश मोटिव्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, उन्हें भी पसंद आए तब भी जो है हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।